आज हम बना रहे हैं नवरात्रि व्रत वाली स्पेशल पूरी जो कि हम आलू से बनाएंगे। आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ हमने लिया है एक बाउल राजगीरे का आटा यानी कांगड़ी का आटा। अब उसमें हम डालेंगे आलू, आलू हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम आलू की पूरी बना रहे हैं। और यहाँ पर टेस्टी बनाने के लिए हम डालेंगे हरी मिर्च, 6-7 हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे। यहाँ आप चाहें तो जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और आप व्रत में लाल मिर्च खाते हो डाल सकते हैं। और यहाँ धनिया डाला है हमने। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच व्रत वाला नमक, और उसमें हम डालेंगे घी, घी का मोयन देंगे। और इसको हम पूरी जैसा आटा हमें गूंद लेना है। आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और व्रत की रेसिपी आप जो नई देखना चाहते हैं वह आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। इस प्रकार हम डो गूंद लेंगे पूरी का। उसके बाद इसको 2 मिनट का हम रेस्ट देंगे, वापस इसको स्मूथ कर लेंगे। और इसके हम छोटे छोटे हम लोए बनाएंगे, घी का हाथ लगा लेंगे जिससे कि आटा चिपकेगा नहीं। पूरी को 2-3 तरह से आप बना सकते हैं। लोया छोटा लेंगे हम और उसको हम हाथ से दबा के बड़ा कर सकते हैं। ये हम बेलन से बना रहे हैं। आप पूरी को बार बार नहीं उठाएंगे, निकल टूट जाएगी, आप चकला घुमा लेंगे। ये हमारी पूरी बन के तैयार है। और दूसरी पूरी हम बनाएंगे हाथ से, इसको हाथ से भी आप प्रेस करके चौड़ा कर सकते हैं पूरी जैसा। और इसको आसपास से किनोरी को आप हल्की सी दबा के गोल कर सकते हैं। इस प्रकार हमने सब पूरी बनाकर तैयार कर ली है। यह बहुत ही चटपटे नाश्ता है, आप ज़रूर बनाइएगा व्रत में। अब यहाँ पे तेल रखा है मीडियम आंच पर, अब हम उसमें पूरी डाल देंगे और इसको उलटते पुलटते करते हुए ब्राउन होने तक हम तलेंगे। और हम इसको निकाल लेंगे और गर्मा गर्मा आप सर्व करेंगे। इस प्रकार हम सारी पूड़ी बना लेंगे। देखिए हमारी आलू की पूड़ी बनके तैयार है। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।